जोकर कहीं का इनका। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी देखिए अभी अभी ये चिल्लाएंगी बोलने नहीं देंगी लास्ट में आप इनका देखिए देखिए मैं मैं बिल्कुल कह रहा मैं अरे ए और राहुल गांधी जो ए वो जोकर राहुल गांधी को रखो साइड में हटाओ उसको रखो राहुल गांधी को साइड में एक नंबर के जोकर की पार्टी की प्रवक्ता चिल्लाओ मत हाँ जोकर ये अनपढ़ महिला से क्यों डिबेट कराती है आप इस अनपढ़ महिला से क्यों डिबेट कराती है अंजरा जी आप

अरे भाई तुम क्यों पे उतर आते हो मैं अनपढ़ मैं अरे नाली के कीड़े चुप रहे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कनक न्यूज पर मैं हूं रुपेश कुमार और आज हम बातचीत करेंगे गाली वाली मैडम और नाली के कीड़े के बीच हुई एक डिबेट का जी हाँ जिसकी मध्यस्थता अंजना ओम कश्यप जी कर रही थी और उस पर गिद्ध दृष्टि पड़ गई अमित जी की जी हाँ तो बात यह है कि 30 मई को मोदी सरकार के सात साल पूरे हुए तो उस पर आज तक की ओर से एक डिबेट का आयोजन किया गया जिसमें कि संबित पात्रा जी को और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बुलाया गया था होना तो यह चाहिए था कि पक्ष अपने सात साल में किए गए कार्यों की सूची लाता अपनी उपलब्धि की सूची लाता और विपक्ष एक सवाल की सूची लाता जो वो पक्ष से पूछने वाला था अन्य देश में अगर ऐसा होता तो यही होता लेकिन भारत विश्वगुरु है यहाँ का हर एक बच्चा जन्म से ही प्रोफेसर जन्मता है जी हाँ और ये तो ठहरे पार्टी प्रवक्ता तो ये कैसे होमवर्क करके आते कैसे पढ़ के आते जबकि ये प्रोफेसर से भी ऊपर के पद पे हैं तो ये कोई होमवर्क करके नहीं लाए थे पूरी डिबेट आप देख लो तो उसमें डाटा का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता है जहां डिबेट में बातचीत होनी चाहिए सात साल में किए गए काम पर वहीं बातचीत होती रही पाकिस्तान पर वहीं बातचीत होती रही चीन पर वहीं बातचीत होती रही सावरकर पर यार को पाकिस्तान मोदी की सरकार को गिराना होगा अरे वो तो एंकर बेचारा वहाँ हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार ना ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का दैट इज द रीजन माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से माँ बेटे एजेंट है चाइना के

लेकिन ऐसा नहीं कर रहे थे अंजना ओम कश्यप शायद पीसीआर से प्रोडक्शन मैनेजर का यही आ रहा होगा कि चुप रहो आगे बढ़ने दो होने दो तिक्रमबाजी ताकि यह शो जो, जो है टीआरपी बटोर सके तो ऐसा ही हुआ तो डाटा तो लाया नहीं गया है तो वो अब बहस किस पर करेंगे तो वो अपने आदतानुसार व्यक्तिगत टिप्पणियों का सहारा लेने लगे और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं ये आपकी आईटी सेल आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए हम एक गरिमा में पार्टी है और एक गरिमा में परवरिश है आपकी तरह मैं बात करती नहीं हूँ अरे अभी आपने टुच्ची भी कहा था अभी कहा था दस सेकंड पहले टुच्ची कहा था यहाँ पर बैठ के गलचौत करेंगे आप लोग क्या क्या बोला यहाँ पर बैठ के गलचौत करेंगे गलचौत करेंगे आप लोग यहाँ पर बैठ के गब्बा करेंगे वो मत करिए अंजना जी तो... अब इस पे क्या होना चाहिए था कि साढ़े चैनलों की ओर से एक फरमान जारी कर देना चाहिए था कि अब इन दोनों प्रवक्ताओं को नहीं बुलाएंगे हम अपने चैनल में क्योंकि ये कोई डाटा तो लाते नहीं ये कोई स्टडी करके तो आते नहीं बस एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं और यह इनका पहले से बना हुआ है तीन महीने पहले की डिबेट को अगर आप देखो तो बस वही बात हुई है सेम टू सेम तू तराक वाली बातें उन्होंने कहा राहुल गांधी हमारा बैंड बजा रहे हैं जिस बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या बताइए हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है वो दूसरे की बैंड बजा सकता है क्या

वो जो बिल्कुल आप पान चबा रही हैं वो चबा लीजिए पूरा मुझे बोलने दीजिए अब सुन लीजिए बैंड किसका बज रहा है देश जानता है दूसरा आप पहले पढ़ ये को को दुण नहीं। नहीं। चबा तो जाऊंगी मैं इससे चुप फिर देखो ये तो इन दोनों को बैन करना चाहिए था पार्टी से यह मांग करनी चाहिए थी कि आप इन दोनों प्रवक्ताओं को बदलो और कोई पढ़े लिखे प्रवक्ता को लगाओ जो कि सच में हार्डवर्क करके आता है होमवर्क करके आता है कुछ डाटा लाता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि गिद्ध दृष्टि वाले पत्रकारों ने इसे फिर से लाइव शो में इनवाइट कर लिया और तू तरा को एक्सप्लेन करने लगे इस पर पहली दृष्टि पड़ी अमीश भैया जी की गालियां इनको और इनके नेताओं को दूंगी अभी नहीं दूंगी इनको चेतावनी दिए दे रही हूँ की डिक्शनरी है थैंक यू क्योंकि बहुत अच्छी बात है चलिए मेरे बारे में आपने इतना पता कर लिया बहुत अच्छा है से बात करो तो हमारे हमारे आप लीडर को को ऐसे बोलोगे ना ना सावरकर हमारी पत्रकारिता में क्या है है कि कि सिखाया गया के पास ध्यानम रहना चाहिए मतलब वगुले की तरह दृष्टि लेकिन पत्रकारिता में चाहिए क्या गिद्ध दृष्टि ताकि आप नोच सको मरे मुर्दे को जी हाँ तो इसी में अमीश ने भी उसे बुला लिया और यह प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया जबकि इसे विराम मिलना चाहिए था